डायबिटीज दवा बनाने के नाम पर गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने एक्शन लिया और डायबिटीज की दवाई बनाने वाली कथित फैक्ट्री को सील कर दिया है। प्रशासन इस मामले की जांच कर रही है। कुंदेश्वरी स्थित एक निवास पर जिलाधिकारी उदय राज सिंह के निर्देश पर काशीपुर प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की, जहां मौके से सागर एंड काका फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड की डायबिटीज की दवाएं और दवा बनाने के उपकरण बरामद किए गए। SDM काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के पास काफी समय से इस दवा के अवैध रूप से बनाए जाने और दूर दूर तक सप्लाई करने की शिकायतें आ रही थी, जिस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मौके से ना तो दवा बनाने का कोई लाइसेंस बरामद हुआ, ना ही GST फाइलिंग मिल पाई, जिसके चलते उस जगह को सील कर दिया गया है और संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी मौके के निर्देशन में एक सागर एंड काका फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से डायबिटीज की दवा वो बेचते थे और इसकी शिकायत समय समय पे लगातार इधर सुनने को मिल रही थी। तो जिलाधिकारी मौके के निर्देशन में हमारे जिला अधिकारी, इसके अलावा हमारे नायब साहब और राजस्व की टीम, इसके अलावा पुलिस की टीम के द्वारा जो है संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। छापेमारी में ये पाया गया कि एक तो इनके पास कोई लाइसेंस सभी उन्होंने दिखाए हैं जो इनके पास खराब थे, और जहाँ दवाई बनती है वहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशन है और सारी चीजें संदिग्ध लग रही हैं। इसकी इसमें जो भी सुसंगत धाराओं में बात दर्ज हो सकता है वो दर्ज करके इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी, और यहाँ पे जो भी सामग्री मिली है जब्त करके सैंपलिंग के लिए भी भेजा जाएगा। और ऐसे और भी अगर कैसे जाते हैं, अगर ऐसे कहीं दवाइयाँ और बनाई जा रही है वहाँ पे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।